मैं नाथाभाई थापलिया, जूनागढ़ JM वेटर एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। हम इधर जूनागढ़ 5 साल से पशु लेबोरेटरी चला रहे हैं। ये जितने भी गाय में जो रोग आ रहे हैं अलग अलग, वो सभी रोग की हम लेबोरेटरी कर रहे हैं। उसके रिपोर्ट के आधार पे पशु चिकित्सा है, वो जैसे हम ह्यूमन में जैसे लेब के रिपोर्ट के आधार पर जैसे ट्रीटमेंट कर रहे हैं, वही सिस्टम हम एक्सक्लूसिव वेटरनरी डायग्नोस्टिक सेंटर ये गाय के लिए चला रहे हैं। आपकी गाय को किसी भी प्रकार की बीमारी है, उसका दूध खराब आ रहा है, अडर में यानी कि उसके बावले में सूजन है, उसको उसमें पेन है, तो उस मिल्क को निकाल के हम उसका रिपोर्ट करते हैं। उसको कल्चर ABST बोलते हैं। उसमें क्या बैक्टीरिया है, उसमें कौन सी मेडिसिन काम करेगी। अगर आपकी गाय है वो बार बार रिपीट हो रही है, तो उसके गर्भाशय से जो डिस्चार्ज आ रहा है उसका हम कल्चर ABST कर रहे हैं कि गर्भाशय में कौन से बैक्टीरिया है, उसमें कौन सी मेडिसिन काम करेगी। अगर बार बार उसको ये बुखार आ जाता है तो उसके ब्लड में प्रोटोजोआ होता है, जो थाइलेरिया, बबेसिया, एनाप्लाज्मा, ट्रिप्स, वो उसको आइडेंटिफाई करके उसकी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं। और आप लोगों को मैं थोड़ी सी जानकारी चेपी गर्भपात यानी कि ब्रुसेलोसिस के विषय में देना चाहता हूँ। ये ब्रुसेलोसिस नाम की जो बीमारी है वो गाय में चेपी गर्भपात करवाती है, और ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। ये अगर एक गाय में है तो जब भी वो हीट में आएगी तो उसका जो डिस्चार्ज गिरेगा उसका, तो एक गाय से दूसरी गाय में वो जा सकता है, गाय से वो बूल में जाएगा ब्रुसेलोसिस, बूल से दूसरी आपकी जो पूरी हर्ट्स में धीरे 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 वो स्प्रेड हो सकता है। तो मेरी आप सभी से एक ही निवेदन है कि ब्रुसेलोसिस से अपनी गाय को बचाने के लिए आप उसका ब्रुसेलोसिस टेस्टिंग करवाइए, RBPT और प्रूवन टेस्ट ELISA, उसका कन्फर्मेटरी टेस्ट करवा के आप उसमें से जो चेपग्रस्त एनिमल है उसको आपकी हर्ट से बाहर किसी भी अच्छी जगह पे उसको रखिए, और जितने भी बिना चेप वाले एनिमल है उनको आप अच्छे से रख सकते हैं। तो एक मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपनी गाय का ब्रुसेलोसिस है हर साल में एक बार टेस्ट जरूर करवाइए, ताकि आप वो चेपी गर्भपात से अपनी गाय को बचा सकते हैं। और हर 3 महीने में आप अपनी गाय को एक बार डिवर्मिंग करवाइए, कृमिनाशक जो बोलेस है वो दीजिए, और अपने हर्ट्स में जितनी भी गाय है उसको मिनरल मिक्सचर्स बढ़िया सा आप खिलाइए। हमारे पास भी एक बड़ा सा मिनरल मिक्सचर है, बढ़िया सा CDS ब्रांड नेम है। उसमें हमने सारे जो हम एनिमल यानी कि गाय की बॉडी को जो जो रिक्वायरमेंट है वो सभी उसमें इंग्रेडिएंट्स डाले हुए हैं, कैल्शियम, फॉस्फोरस, कोबाल्ट, कॉपर, आयोडीन, मैग्नीशियम, मैंगनीज, और इसमें जीवंती, सतावरी, कांबोजी और एलोवेरा भी डाले हैं जो हर्बल गैलेक्टोकोक है। उसमें विटामिन AD3E भी डाला हुआ है जो उसको हेल्प कर सकता है, जो हीफर्स है उसको हीट में लाने के लिए। उसमें हमने विटामिन K और विटामिन C भी डाला हुआ है जो उसको ब्लडी मिल्क से बचा सकता है, जो मिल्क में ये ब्लड आने का जो प्रॉब्लम है उससे उसकी रक्षा कर सकता है। और इसमें हमने ट्राइसोडियम साइट्रेट भी डाला हुआ है जो मस्टाइटिस से उसको प्रिवेंट करने के लिए, और लाइविस्ट कल्चर और लाइविस्ट इलेक्ट्रोबेसिलस पोरोजेनिस भी ऐड किया हुआ है जो उसकी पाचन शक्ति को बढ़िया बनाएगा। तो ये अगर CDS आप उसको रूटीन खिलाएंगे तो उसकी हेल्थ बढ़िया रहेगी और जितनी भी बीमारी आने का चांसेस है वो बहुत कम हो जाएंगे। थैंक यू।